हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ शोभन और फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग होगा मोटो व्लॉग के ऊपर ही होने वाला है ये व्लॉग। और पहले से आपको नहीं बताऊँगा, तो आप गेस कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 न्यूली लॉन्च्ड बाइक्स के बारे में, जो कि हाल ही में ही इंडियन टू व्हीलर्स मार्केट में लॉन्च हुई है। और वैसे ही तो इस साल बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हुई है। मैंने इस लिस्ट में उन्हीं बाइक्स को लेकर रखा है जो माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और प्राइस इन तीनों में ही बेस्ट हो। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस लिस्ट में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि बाइक्स के न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, लिस्ट की फोर्थ बाइक है टीवीएस अपाची आरटीआर 165 आरपी। अभी हाल ही में टीवीएस ने इसको लॉन्च किया है। ये टीवीएस आरटीआर 160 की है, अपग्रेडेड वर्सन है, जिसमें टीवीएस अपनी ब्रांड न्यू 165 सीसी इंजन को ऑफर कर रहा है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर वाल्व EVFI ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लेंट इंजन देखने को मिल रहा है, जो 19.2 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस करेगी और 14.3 NM का मैक्स टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाला है इसमें। तो दोस्तों, इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा और बाकी इसका पावर काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसकी टक्कर अब MT15 और NS160 से ज़ोरदार होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये टिक पाएगी MT और NS के सामने। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक की पावर काफ़ी दमदार रहने वाली है और इसमें आपको गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, वहीं इसके रियर में आपको काफ़ी वाइड 240 mm का डिस्क पैड मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिला है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। तो बाइक में आपको पावरफुल इंजन के साथ बेहतरीन पावर जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। 160 के हिसाब में आपको इसमें काफ़ी बेहतर एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा। अगर ओवरऑल पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आपको 5 cc का ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा इंजन मिल जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों है, पावर इसका बढ़ा दिया गया है, जो कि 19.2 PS का रहने वाला है। थर्ड पॉइंट कि इसमें स्लीपर क्लच ऐड किया गया है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें रियर में 240 mm का डिस्क पैड दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसके बॉडी ग्राफिक्स में चेंजेस किए गए हैं। तो सिक्स एंड लास्ट पॉइंट कि इसका एक्सरूम प्राइस 1.45 लाख तक देखने को मिल रहा है और इसका ऑन रोड प्राइस जा सकता है 1.9 लाख तक। तो हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है दोस्तों बजाज पल्सर N250 और F250। तो कुछ ही टाइम पहले दोस्तों बजाज ने अपने 250 cc सेगमेंट में दो बाइक्स को लॉन्च किया था, जो कि है N250 और F250। तो पल्सर लवर्स काफ़ी लंबे टाइम से इस बाइक का वेट करते आ रहे हैं। बजाज की ये 250 cc सेगमेंट में काफ़ी फीचर लोडेड बाइक है। बजाज इस बाइक को इस सेगमेंट में अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी टक्कर देने वाली है। इसमें आपको 249 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड FI 5 स्पीड फोर वॉल्व SOSC इंजन देखने को मिल जा रहा है, जो 24.5 PS का पावर जनरेट करती है 8750 RPM पे और 21.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। ये बाइक 0 to 60 4.5 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। तो इसका माइलेज कंपनी 45 km/L क्लेम करती है। वही पल्सर N250 में आपको फ्रंट में एनिमलिस्टिक LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो आता है मोनोग्राम सिग्नेचर के साथ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स LED भी मिल जाता है। बाकी इसमें आपको मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। बाइक लुक फ्रंट से काफ़ी अग्रेसिव और एक परफेक्ट नेकेड थीम की बाइक जैसे देखने को मिल रही है। वहीं बाइक के रियर एक्सेसरी में आपको LED टेल लाइट दिया गया है। इसमें आपको फ्रंट में 37 mm का टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं रियर में आपको नाइट्रोक्स चार्ज्ड मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट ऑफर किया जा रहा है, जिसका साउंड काफ़ी फाइन है। इसमें आपको 850 mm का सीट हाइट और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। बाइक की ओवरऑल हाइट 1028 mm रहने वाला है। इसमें आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका टोटल कर्ब वेट 164 kg का है, जो कि काफ़ी कम है दूसरे बाइकों से। इसके फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क पैड और रियर में 230 mm का डिस्क पैड देखने को मिल जा रहा है। और पल्सर N250 का एक्सोरूम प्राइस 1.38 लाख तक देखने को मिल जाएगा। वही पल्सर F250 का प्राइस 1.39 लाख तक देखने को मिल सकता है, जो कि एक शोरूम प्राइस है।
दोस्तों हमारी लिस्ट की सेकंड बाइक है वो यामा है R15M। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइसिंग की तो यामा R15 दो मॉडल को लॉन्च करी है, एक है R15M और एक है R15 BV4। इसमें आपको फोर कलर वेरियंट ऑप्शन मिल रहा है। पहला कलर है मेटालिक रेड जिसका प्राइस 1,67,000 रुपीज़ है, और एक है डार्क नाइट जिसका एक्सोम प्राइस है 1,68,000। वैसे ही तीसरा कलर वेरियंट ड्रेसिंग ब्लू है जिसका प्राइस 1,72,000 तक रहने वाली है। वैसे ही लास्ट वाला R15M है जिसका प्राइस 1,77,000 तक रहने वाला है। जो भी मैं प्राइस बताऊँ वो दिल्ली एक्सोरूम प्राइस है, तो आपके सिटी में ये 100 और 200 का डिफरेंस आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ इसके नए फीचर्स की। तो R15 में आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर की गई है। तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट फीचर मिल रहा है। तो इसी के साथ आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, USD सस्पेंशन और क्विक शिफ्टर मिलता है। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी दिया गया है और इसके हेडलाइट को एक न्यू लुक दिया गया है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, साथ में आपको LED DRLs भी ऑफर किया जाएगा। बाकी इसके अलावा इसके लुक में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं। तो बाइक पहले से बहुत शार्प लुक में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके इंजन और डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं किया गया। बाइक में पावर और टॉप R15 V3 के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ मेजर चेंजेस थी जो कि बाइक में की गई है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है TVS Raider 125। TVS की ये 125 सेगमेंट की स्ट्रीट नेकेड थीम पे बनी बाइक है। इसमें आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व EFI ऑयल कोल V6 फोर स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाएगा, जो 12 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और 11 Nm का मैक्सिमम पावर टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलता है। इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, वहीं इसमें आपको कंपनी CVS ऑफर करी है। इसमें आपको इकोथ्रस्ट फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। ये बाइक 0 to 60 जस्ट 6 सेकंड में पहुंच जाती है। फ्रंट में आपको रोबोटिक शेप की एनिमलिस्टिक LED हेडलाइट मिल जाती है जो आता है मोनोग्राम सिग्नेचर के साथ। इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलता है इंस्टेड ऑफ LED। बाकी इसमें आपको मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। TVS ने एक नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है TVS इंटेलिगो, जिसमें बाइक में आपको ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसमें आपको स्प्लिट सीट, ब्रिलियंट फुटरेस, इंजन किल स्विच जैसे और कई नए फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें पहली बार किसी बाइक में सीट स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको फोन चार्ज के लिए पावर सॉकेट भी मिल जाएगा, साथ में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट इन क्लास फुली करेक्ट LCD डिस्प्ले वाली फुली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी। इसमें आपको दो राइडिंग मोड भी मिल जाएगा, एक है इको मोड और एक है पावर मोड। बाकी इसके कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और फ्यूल गॉज, ट्रिप मीटर, ABS इंडिकेटर, टाइम, कॉलिंग अलर्ट, SMS अलर्ट, कनेक्टिविटी फीचर्स और मोबाइल चार्जिंग जैसी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेगा 12 लीटर का फ्यूल टैंक और इसमें माइलेज अराउंड आएगा 50 to 60 किलोमीटर पर लीटर। प्राइस इसका अराउंड 77,500 एक्सोरूम दिल्ली है, और ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 1 लाख तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आप इस लिस्ट में कौन से बाइक को पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।